अब रुख करेंगे खबरों का। उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव को लेकर सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के माध्यम से प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव ने देवरिया में विशाल सभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी सरकार को खाट फेंकने और लोहिया के आदर्शों पर चलने वाली एक निष्पक्ष सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जितने भी वादे किए सारे झूठे निकले हैं। इनकी जो भी नीतियां हैं जनता उनसे खुश नहीं है। काला धन को लेकर सवाल खड़ा किया और जनता से उन्होंने कहा कि महंगाई भ्रष्टाचार में आपकी गाढ़ी कमाई लूटी गई है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास झूठा निकला। जाति धर्म हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के नाम पर भेदभाव करने के आरोप भी भाजपा पर लगाए गए हैं कि ये समय बहुत सोच समझ के लेके समान विचारधारा वाली पार्टियों से सेकुलर पार्टी और हमने समाजवादी पार्टी से भी हमने प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए चाहे गठबंधन कर लें चाहे विलय कर लें, हम भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम कोई भी त्याग कर सकते हैं। हमने हमेशा त्याग और संघर्ष पर भरोसा किया और त्याग और संघर्ष करके ही हमने समाजवादी पार्टी को बुलंदियों तक पहुंचाया था।